आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया कलेक्टर के निर्देशन में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आबकारी पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए मौके से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है एवं आरोपी युवक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को माननीय न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। वही इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए आबकारी अधिनियम SDO SKC ने बताया कि कलेक्टर महोदय एवं वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों के निर्देशन पर उमरिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम निगहरी के बिचेटोला में आरोपी सतीश सी को भारी मात्रा में अवैध शराब रखने पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है एवं आरोपी युवक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जिला जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि जिले में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है, जहां जिले के विभिन्न स्थानों में अवैध शराब बनाकर बेची जाती है एवं अवैध शराब की पाइकारी की जाती है, जिसके कारण विगत दिनों में कई शराबियों की मौत हो चुकी है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जेल भेजे जाने की जो कार्रवाई है वो तो न्यायालय प्रक्रिया है और मैं चाहूँगा जिस प्रकार से आज जो कार्रवाई की गई है कलेक्टर श्रीमान कलेक्टर के आदेश से और आबकारी विभाग को और भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके कमी के कारण ऐसे लोग अवैध तरीके से शराब का अवैध व्यापार करते हैं, जो लोगों को समाज में अव्यवस्थित तरीके से फैलाते हैं, लोगों का जीना हराम हो जाता है, लोग घरों में खाने का नहीं रहता लेकिन दारू के नशे में भी चोरी करते हैं और अनैतिक कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि निरंतर आबकारी विभाग के द्वारा ऐसी कार्रवाइयाँ बिना किसी निर्देश के भी की जानी चाहिए, जिससे समाज सुरक्षित हो सके। देखिए, बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे उमरिया जिला में ये जो शराब की बिक्री और शराब का सेवन का जो भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, इससे समाज के छोटे छोटे तबके के लोग इस नशा के कारण से क्या उनको कई तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। मैं निश्चित रूप से प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसकी छापेमारी कार्रवाई पूरे ज़िले में नियमानुसार होना चाहिए, ताकि इस बुरी आदत से लोगों को छुटकारा मिल सके। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो इस आदत के कारण से, शराब की नशाखोरी के कारण से परिवार टूटते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, समाज में इसका एक दुष्प्रेरण टाइप का होता है। आज अपराध जो अन्य घटित अपराध भी होते हैं, ये भी देखने में आता है कि शराब पीकर इन्होंने चोरी है और कई तरह के रोजगार के कार्य में भी लिप्त होते हैं। निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन से एवं माननीय कलेक्टर महोदय से भी आग्रह चाहूँगा कि जो एक्साइज विभाग है वो धन्यवाद का पात्र है, जो निगाहरी में ये कार्यवाही की है और जानकारी मिली कि आरोपी जेल में चला गया है। तो ऐसे ही क्या है, उनकी कार्यवाही नियमित रूप से चलता रहे, ताकि हमारा उमरिया जिला जो है इस बुरी आदत से, इस शराबखोरी से मुक्ति पा सके। जो आज ये छापामार कार्रवाई की गई उसमें आरोपी पकड़े भी गए, माल भी जब्त हुआ और न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा उन्हें जेल भी भेज दिया गया। इस काम से अगर देखा जाए तो उमरिया के लोगों में भी एक अच्छा माहौल गया है, माहौल बना है। ये माहौल बना है कि आज ये चीज़, ये कार्रवाई कलेक्टर उमरिया के द्वारा रोकना नहीं चाहिए। इससे दिन प्रतिदिन इस पर अपने संज्ञान में ले करके ऐसे कहाँ कहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर दारू बन रही हैं, जहाँ पर अवैध बिक्री हो रही है, लोगों का घर बिगड़ रहा है, इससे आए दिन उत्पटांग लोग करते हैं, यहाँ तक कि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं जो घटती है दारू के नशे के हालत में होती हैं सब। तो इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए और ये बहुत खुशी का माहौल है कि अच्छा है कि एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है आबकारी विभाग द्वारा एक सकारात्मक काम किया गया, इसमें अपने काम वो सफल हुए और एक अच्छा इसका मैसेज जा रहा है समाज के लिए। और निकट भविष्य में अन्य जो ऐसा काम करने वाले लोग हैं, कुकृत करने वाले लोग, वो इससे सबक ले। देखने को ये मिला है जो शराब के ठेकेदार होते हैं, अन्य तरीके से गांव-गांव तक शराब पाइप पहुंचाई जाती है और जम के यहाँ पे लोग शराब पीते हैं और उनका स्वास्थ्य खराब होता है। विगत कई दिनों से यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भी वर्तमान का जो ठेकेदार होता है अपनी दुकान से ज़्यादा गांव में पैकारी के माध्यम से शराब को पहुंचाता है और जब उससे लेन देन का मामला सामने आता है तो उसको किसी प्रकार के एक्साइज एक्ट में फंसा दिया जाता है। उमरिया जिले में भी देखने को प्रचलन में आया कि प्रयास ये किया जाता है कि इन ठेकेदार के लोग जो हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो पैसा नहीं देते हैं
तो उनको 34-2 में फंसा देते हैं। 34-2 में एक्चुअली में जमानत होती नहीं है, प्राय देखा गया है कि हाई कोर्ट के लेवल का मामला रहता है, वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी ये पूरे ज़िले में यदि अवैध शराब बिक रही है तो उसमें जिला प्रशासन, कलेक्टर और जो आबकारी अधिकारी हैं वो लोग नियंत्रण करें और किसी प्रकार से अवैध शराब न बिके। और दूसरी तरफ ये भी देखने की बात है जो पैकारी के माध्यम से शराब ठेकेदार गाँव गाँव तक शराब पहुँचाते हैं, उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, बिछी टोला निगहरी में सतीश कुमार सिंह के यहाँ सूचना मिली कि उनके यहाँ काफ़ी मात्रा में विदेशी और देशी मदिरा विक्रय हेतु रखी हुई है। उक्त तो सूचना को तस्दीक करने हेतु मैं अपने स्टाफ के साथ निगरानी रवाना हुआ। मौके पर सतीश सिंह उपस्थित मिले अपने घर पर, समक्ष पंचा उनके घर की तलाशी विधिवत ली गई। तलाशी के दौरान उनके मकान के एक कमरे से 56.34 बल्क लीटर मदिरा बरामद कर जब्त की गई और उनके विरुद्ध 34-2 के तहत कार्रवाई की गई। मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक होती है तो 34-2 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत। और इसके उपरांत उनको चूंकि गैर जमानती अपराध होता है इसलिए उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न्यायालय द्वारा उनको जेल तक जेल भेज दिया गया। इस प्रकार की कार्यवाही कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मेरे द्वारा निरंतर जिले उमरिया में जारी रहेगी।